से कहा कि आपका एक और मंत्री बनेगा। हाँ, एक दल है जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से तो वो कहा कि आपके भी दो मंत्री बनेंगे, और जो पुराना दल था उससे भी कहा कि आपका राजसभा भेजेंगे नहीं तो मंत्री बनाएंगे। जो नया दल जुड़ा है उससे कहा गया कि एक प्रदेश में एक दिल्ली में मंत्री बनेगा। फिर तो ये सब चीजें सामने हैं। एक सवाल है, बीजेपी मैं धार्मिक हूँ क्योंकि मुझे राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्रवादी वो व्यक्ति होगा जो हमारे किसान और हमारे दुख को समझता होगा। राष्ट्रवादी भाषण से नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी आप भारत माता की जय बोलेंगे और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप राष्ट्रवादी तब होंगे जब किसान को आप उसका हक देंगे, नौजवान को नौकरी दोगे। तभी तो कहा ना जय जवान जय किसान। अगर जय जवान जय किसान का महत्व नहीं समझते हो तो आप राष्ट्रवादी नहीं है। कोई परीक्षा बची हो जिसमें लीक ना हो गई हो पेपर, ठीक है। और अगर मान लीजिए 50 लाख से ऊपर नौजवानों ने परीक्षा दी है और उसमें अगर 1 लाख बच्चे पूरे के पूरे आंसर दे आएंगे तो क्या ये सरकार उनको नौकरी देगी? और मान लीजिए 10 लाख बच्चे होंगे, क्या उनके साथ धोखा नहीं है? 50 लाख बच्चों के साथ धोखा नहीं हुआ पेपर लीक करके? और 50 लाख का हिसाब लगाइए, हर परिवार में 5 सदस्य, 5 × 50 लाख, 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इतना ही बड़ा दिल रालोद के लिए दिखा दिया जाता तो शायद दोस्ती बची रहती। मेरे साथी दो बड़े हैं के सात बड़े हैं, सात ही बड़े हैं तो फिर सातों में दिया था। सात में तीन और चार आपके दे, अगर हमारे पत्रकार सात में तीन और चार आप अपने भी दे रहे थे। नहीं, कोई नहीं दे, ये गलत बात है। राजनीति में समाजवादी पार्टी को बहुत लंबा सफर करना है। और एक मिनट, क्योंकि यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, देखिए जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। कांग्रेस से गठबंधन हो गया क्या? मायावती या आजाद समाज पार्टी से भी आपका गठबंधन होगा? देखिए ये इंडिया गठबंधन की कई बैठक हो चुकी है और कई बैठकों में और कई मौकों पर आप जो सवाल पूछ रहे पूछे जा चुके हैं उस पर अब आगे कोई बात नहीं होगी। चंद्रशेखर आपकी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या अपनी पार्टी से? अरे वो हमारा है, हम देखेंगे क्या करना है या पार्टी से राय ले लेंगे। क्या राजा भैया को लेकर क्या कह रहे हैं कि गठबंधन में क्या तो दिया, तुमने सुना नहीं? इतने गठबंधन दल हैं, उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके दो दो मंत्री बनेंगे। अब बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सर? जी, तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। और ये लेट चलता है क्यों? व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं देखते हो? अतुल जी पीडीए में है, पीडीए की मदद करेंगी वो, पीडीए की मदद। लेट चलता है। देख लीजिए, वो कह रही है कि आपने राज्यसभा अलग लोगों को भेज दिया पीडीए का, उसमें आपने आपने धन्यवाद दिया हमें जब हमने पहले ज्यादा भेजे थे। अरे धन्यवाद नहीं देते हो बताओ हमें। जयंत चौधरी से कोई बात नहीं है आपकी? जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगे कि कौन कितना समाज में है। कम से कम उन्हें हम संविधान के तहत, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो जो हमारे दलित भाई हैं उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल रहा है। आदिवासी हैं उन्हें भी हक और सम्मान आबादी के हिसाब से मिल रहा है। और जो विशेष अधिकार की बात हो तो मैं समझता हूँ हर समाज के लोग चाहते हैं जाति जनगणना हो जिससे उन्हें मौका मिल सके, बराबर का अधिकार मिल सके। जयंत चौधरी की वापसी के विधायक भी कोई वापस आएगा हम ले लेंगे। बातचीत हुई है कोई आपकी एनडीए में जाने के बाद? कोई बातचीत हुई है? मेरी बातचीत हुई लेकिन वो हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है जी। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेगी और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं लेकिन दो बड़ा के साथ बड़ा। देखिए मुजफ्फरनगर में समाजवादी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी है, आज भी वहाँ पे मुक्की हुई है। तो क्या हो गया, कंपटीशन होगा, उसमें क्या दिक्कत है? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है कंपटीशन? अगर हमारी पार्टी में कंपटीशन हो रहा है आगे बढ़ने का, तुम्हें क्या दिक्कत है? नाम किसने दिए, नाम कौन चाहता था? नाम मांगे गए, नाम दिए गए। कोई भी आरोप ये नहीं लगा सकता कि समाजवादी पार्टी थोप रही है। और फिर
हरिंदर मरिंदर जी के लिए मैंने ये कहा कि ये बातचीत कर लेंगे आपके दल से, और बातचीत में अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो हमें बताएंगे, और परिवार के उनका कोई सदस्य लड़ेगा तो हरिंदर मल्लिक जी नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के प्रति इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि पार्टी ने आपको सम्मान दिया और हमारी कोशिश रही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी से लगाव केवल आप लोगों को तो है ही है, हमारा भी लगाव है, नेताजी का लगाव रहा, पार्टी का लगाव रहा, इसलिए हम चाहते थे वो पार्टी आगे बढ़े। और याद करना, जब पहली बार तबस्सुम हसन जी जीती थी तो मैंने क्या कहा था कि ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को मैं वापस कर रहा हूँ, और जीरो से हमने कितने विधायक समाजवादियों ने मिलकर के बनाए, जीरो से। मैं ये चाहता था कि हर सदन में हैंडपंप दिखे, गठबंधन की बात है, लेकिन अब आपकी मर्जी, अगर आपको दो नंबर ज्यादा लग रहा है बड़ा साथ से, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, आप जब सीट छोड़ दोगे तो हम किसी को तो देंगे ना अगले जी, क्या कांग्रेस का गठबंधन। और फिर मंत्री का सपना दिखाना कि आपको मंत्री बना देंगे, अरे भाई मंत्री में के कितने गठबंधन लाइन में, जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन सबको वादा किया है कि दो दो मंत्री बनाएंगे। देखिए, जो सहयोगी दल हैं, सरकार डबल इंजन का दावा करती है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में पांचवें नंबर का दावा करती है, विश्व गुरु बनने का दावा करती है, कोई गांव शायद ही बचा हो जिसमें विकसित भारत यात्रा को लेकर के संदेश न पहुंचाने का काम किया हो, और कहने को ये कहते हैं कि अमृत काल है। अगर ये अमृत काल है, आप दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमारा किसान क्यों धरना दे रहा है, किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों परेशान है, किसान क्यों ट्रैक्टर लेकर के अपनी ट्रॉली लेकर के, और क्यों किसान अपने सब कुछ बांध करके दिल्ली के पास जा रहा है और दिल्ली कोई उनको जवाब नहीं दे पा रही। और तब जब यहाँ के नहीं बल्कि पूरे देश के चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सवाल पर और गरीबों के सवाल पर सबसे मुखर थे, उनको सम्मान दिया भारत रत्न से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न, और उसके बाद सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी होगी, क्या किसान अपनी फसल की आय दोगुनी पा रहा है, और अगर फसल की कीमत भी नहीं मिल रही उसको, और इस महंगाई में इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा किसान के ऊपर संकट है, जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां या विदेश की कंपनियां दबाव बना रही हैं बीज को लेकर के, अनाज को खरीदने को लेकर के, अपने बाजार को कब्जा करने के चक्कर में, मैं उदाहरण दे सकता हूं, चीनी का क्षेत्र है, ये अलग सवाल है, किसान को गन्ने की क्या कीमत मिले, आज की महंगाई में सरकार को आगे आना चाहिए था। गेहूं किसके लिए खरीदवा रही है सरकार, पैकेज आटा किस पर पहुंच रहा है, उसमें मुनाफा कितना कमा रहे हैं, रिफाइंड तेल जिसके बिना खाना नहीं बन सकता गरीब का, घी रिफाइंड सरसों का तेल, इसका बाजार किसके हाथ में जा रहा है। तो सवाल बाजार का है और बाजार के ऊपर किसान को छोड़ रहे हैं। एमएसपी सरकार दे, एमएसपी की लड़ाई किसानों की पक्षी लड़ाई है, और जब भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न दे करके वोट लेना चाहती है तो वोट लेने के लिए किसानों की सुनवाई करें, उनकी जो मांगे उनको माने, और दूसरी तरफ हमारा नौजवान जो दुखी है, परेशान है, और पुलिस की भर्ती में पेपर लीक, ये कैसी सरकार है, हर चीज लीक हो जाती है, इसमें लीक हो रही है हर चीज। अखिलेश जी,